बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। एप्पल को आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी इसकी गारंटी देती है कि इसकी जो टैपिंग नहीं होती है, फिर भी अखिलेश जी इंजीनियर रहे, अब उनको ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी जानकारी है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एप्पल इस बात की गारंटी देती है कि टैपिंग नहीं की जा सकती। और उनको टैपिंग से क्यों डर लग रहा है भाई? कोई ऐसी कोई गलत काम वो थोड़ी करते हैं कि उनको इस बात को डरना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट तेज हो चली है। इस बीच कुछ सियासी घटनाक्रम भी घटित हो रहे हैं जिन पर राजनीति तेज है। बीते दिन यानी मंगलवार को कुछ विपक्षी नेताओं ने इस बात की शिकायत की थी कि उनके आईफोन्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है। कई विपक्ष के नेताओं ने एप्पल फोन के जरिए नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए दावा किया कि सरकार के द्वारा उनके फोन्स को हैक किया जा रहा है और उनकी जासूसी की जा रही है। इन नेताओं की सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल थे। अखिलेश ने भी फोन टैपिंग की बात उठाकर सरकार को जमकर घेरा, लेकिन सपा प्रमुख के इस बयान पर अब बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कहा है कि वो डर के मारे ऐसा कह रहे हैं। एप्पल कंपनी इस बात की गारंटी देती है कि उसके फोन्स को टैप नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा है भी तो अखिलेश यादव टैपिंग से डर क्यों रहे हैं? अखिलेश यादव ने कहा है कि जो एप्पल फोन है उसकी कहीं ना कहीं टैपिंग की जा रही है और ये गलत है, और ये मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया है जिससे कि ये सरकार अब टैपिंग एप्पल फोन्स के भी नोटिफिकेशन पे करा रही है। ये सब उनको कहीं भय सता रहा है, कोई इस तरह की कोई चीजें नहीं होती है। एप्पल को आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी इसकी गारंटी देती है कि इसकी जो टैपिंग नहीं होती है, फिर भी अखिलेश जी इंजीनियर रहे, अब उनको ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी जानकारी है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एप्पल इस बात की गारंटी देती है कि एप्पल के टेलीफोन को टैपिंग नहीं की जा सकती। और उनको टैपिंग से क्यों डर लग रहा है भाई? कोई ऐसी कोई गलत काम वो थोड़ी करते हैं कि उनको इस बात को डरना चाहिए। तो दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपों पर उल्टा उन्हें ही घेर लिया है। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी का इस मामले पर क्या रिएक्शन सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।